सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो पाइथन प्रोग्रामिंग को लेकर के है और पाइथन प्रोग्रामिंग में क्या सीखने वाले हैं हम सीखेंगे आज फंक्शन के बारे में। तो फंक्शन मैं आपको पहले भी जैसे कि बता चुका हूं, फंक्शन इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम विच हैज अ नेम, ठीक है। अब इसमें हम इसको करके कैसे देखेंगे, तो देखिए डेफ नाम का कीवर्ड जो कि डिफाइन करने के लिए यूज होता है उसको हम यूज करेंगे फंक्शन बनाने के लिए, ठीक है। और मान लीजिए कि मैं फन टाइप फन नाम से एक फंक्शन बना रहा हूं, तो यहां लिख दिया फन, ठीक है, और यहां पैरेंथेसिस ओपन करूंगा और क्लोज करूंगा, ठीक है। अब इसमें मैं कोई चीज लिखूंगा नहीं, इस फंक्शन के अंदर जो पैरेंथेसिस है इसके अंदर मैं कोई चीज नहीं लिख रहा हूं, मैं यहां पे नीचे इसको डिफाइन कर रहा हूं, जैसे कि ये फंक्शन जब चले तो क्या टास्क परफॉर्म हो, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया आई लव माई इंडिया, ठीक है, तो ये टास्क एक परफॉर्म होगा जब ये फंक्शन चलेगा, ये टास्क परफॉर्म होगा, ये मैंने डिसाइड कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, अब हम जब इसको कॉल करेंगे ना, जब हम इसको कॉल करेंगे, अब एक तो ये हो गया कि आप इसको चला दें, तो चलाएंगे तो क्या होगा, तो यहां से चला दिया, अब चला दिया तो यहां कोई रिजल्ट तो प्रिंट होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, देख सकते हैं ना। अब हम क्या करेंगे, इसको कॉल करेंगे, क्या करेंगे, कॉल करेंगे, तो कॉल करने के लिए क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे फन एफ यू एन, यहां नीचे आकर के यहां पर लिखेंगे फन, क्या लिखेंगे फन, सिंपल वे में लिख दीजिए फन इस तरीके से, और अब इसको कॉल कर दीजिए, खाली कॉल हो गया। अब जब इसको आप चलाएंगे तो देखेंगे क्या होता है, तो यहां पे देख सकते हैं यहां पे आई लव माई इंडिया प्रिंट हो रहा है। लेकिन मान लीजिए कि अगर हमें यही फंक्शन बार बार इस्तेमाल करना हो तो पूरा हमें ये सेट ऑफ कोड लिखना पड़ेगा, ये देख रहे हैं इतना लिखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन फंक्शन का फायदा यही है कि खाली आप फंक्शन का नाम भर दे दीजिए, एक बार दे दिया, एक बार प्रिंट कराना था तो एक बार दे दिया, दो बार प्रिंट कराना है दो बार नाम दे देंगे फन, ठीक है, तो दो बार हो जाएगा। अगर तीन बार चाहे तो तीन बार कर दीजिए, दस बार चाहे तो दस बार कर दीजिए, छह बार चाहे तो छह बार। तो इसी को मैं कॉपी करता हूं, उठा के पेस्ट कर देता हूं नीचे, ये देखिए ये है ना, यहां से गया यहां से पेस्ट कर दिया, तो देखिए एक दो तीन चार पांच छह, यानी इतना लिखने से ये देखिए ये डेप वाला हिस्सा लिखने से आसानी क्या हो गई कि हमने लिखा थोड़ा सा और बहुत सारी चीजें प्रिंट होकर आ जाएंगी। तो ये देखिए फंक्शन को सिर्फ कॉल किया, यहां पर क्या है फंक्शन कॉलिंग ये कर रहा हूं, तो यहां पे कॉल किया तो देखिए आई लव माय इंडिया कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 टाइम आ गया। तो फंक्शन का यही फायदा है, आई होप की बात समझ में आई होगी।